यूनिवर्सल सेट आप लोगों को बुक में पेज 11 पे दिया गया है. A universal set is a set which consists of all the elements under consideration. It is denoted by U. Universal set में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो अंडर कंसिडर हो, यानी हम लोग जो फर्स्ट करते हैं सो उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं. Then find the complement of the following set. हमें क्या फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट का, कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट सेट किसे कहते हैं, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू. यू अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है तो सेट ए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का यानी सेट यू का सबसेट होना चाहिए. देन यू माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. तो जब यू से हम लोग ए को माइनस करेंगे उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. It is denoted by A complement. इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, A complement. अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है A सेट है. A सेट में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 ब्रैकेट क्लोज ये एलिमेंट हमें दी गई है. अब सॉल्यूशन में हम लोगों ने फर्स्ट क्या लिखना है, U यानी यूनिवर्सल सेट लिखना है. उसमें हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नंबर है. फिर A सेट में हमारे पास जितने भी इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर है हमारे पास. ए यू अब कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है. ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, जब यू सेट से हम लोग ए सेट को माइनस करेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट या नंबर वो मेंशन करने हैं, वो 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर मेंशन है, माइनस का साइन, फिर ए को माइनस करना है यू से. तो ए सेट के जो नंबर थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ब्रैकेट क्लोज ये हमारे पास ए सेट के एलिमेंट थे. अब यू सेट से हम लोगों ने ए सेट को माइनस कर लिया, 2, 2 से कट गई, 4, 4 से कट गई, 6, 6 से कट गई, यानी ए सेट के जितने नंबर हैं वो यू सेट में मौजूद है उनकी कटिंग हो गई एक दूसरे से. अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर. सो ये क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये आया हमारा आंसर. अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने होमवर्क के लिए दिया है, थर्ड पार्ट मैंने फिर खुद करवाया है. अब सी सेट है उसमें हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 हमें नंबर मेंशन करके दिए हैं, इसमें भी हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर. यू सेट आप लोगों को अगेन ही क्वेश्चन नहीं दिया गया है, उसने 1 से 20 तक नंबर मेंशन है. अब 1 से 20 तक नंबर हम लोगों ने मेंशन कर लिए. फिर सी सेट में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 नंबर है. सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. सी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जब यू सेट से हम लोग सी सेट को माइनस करते हैं. सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने नंबर मेंशन कर लिए. यू सेट के माइनस का साइन है. फिर हम लोगों ने सी सेट मेंशन करना है, उसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 नंबर है हमारे पास. ये जितने भी नंबर है अब हम देखेंगे क्या वो यू सेट में प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो ओके एक दूसरे से कटिंग हो जाएगी. 1 को 1 से हम लोग कर ली, 3 को 3 से कर ली, 5, 5 से कर दी, 7, 7 से कट किया, 9, 9 से कट किया, 11, 11 से, 15, 15 से, 17, 17 से. अब जो बाकी नंबर यू सेट में रह गए वो हम लोग उतारेंगे सी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो बनेगा. सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20. सो ये हमारे पास क्या आया, ये सी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया. अब इसी का जो क्वेश्चन 2 है उसका जो सेकेंड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. और जो डेफिनेशन मैंने बताया पेज 11 पे वो भी आप लोगों ने कॉपी से उतारना है, उसे याद भी करना है. थैंक यू.